वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों वीडियो को मैं रॉ एंड रियल रखना चाहता था, इसके लिए नींद से उठा, ब्रश किया एंड वीडियो स्टार्ट कर दिया। बाल का कंडीशन भी देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक इजी ब्रेकफास्ट का आइडिया। अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है एंड घर में कोई नहीं है तो ईजिली आप इसको पका सकते हैं, किसी का हेल्प लेने का भी ज़रूरत नहीं है। सो, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे ईजी जो है फूड ब्लॉगर बहुत मतलब अलग अलग तरीके से दिखाते हैं ऑमलेट, हम लोग उतना कुछ नहीं करेंगे, ना ऑयल यूज़ करेंगे ना तो बटर यूज़ करेंगे, सिर्फ एक से ऑमलेट। सो देख सकते हैं यहाँ पे दो अंडे हैं, मैंने ले लिया है और दो अंडे के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं टोमेटो है एंड साथ में अनियन भी यहाँ पे है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा टमाटो अनियन और थोड़ा सा हरी मिर्च पहले से ऐड करके रखा था। ज़्यादा करके मैं टोमेटो एंड ऑनियन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेजिटेबल का जो पोर्शन है वो ज़्यादा चाहता था इसमें। किचन में अभी दूसरा कोई वेजिटेबल तो है नहीं कैप्सिकम वगैरह इसमें यूज़ करने के लिए, लेकिन जो है चलिए उसी से काम चला लेते हैं। पहले अंडे को थोड़ा सा फेंट लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अंडे को फेंट लेंगे। ये रहा नमक, अंडे में थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगा। ये गया अंडे के अंदर नमक एंड इसको थोड़ा अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को फेंट के हो गया, अभी कुछ नहीं, अंडे को इसके साथ मिक्स करना है। ये पूरा जो पोर्शन है मैं ऑनियन टमाटो एंड साथ ही में थोड़ा हरी मिर्च का जो मिक्स है उसके साथ ऐड कर देता हूँ। दोस्तों ये तो मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद ये जो ग्लास बोल है इसके अंदर इसको डाल देंगे। आप लोग अभी देख सकते हैं ग्लास बोल के अंदर अंडे का जो मिक्स है मैं डाल दिया है एंड अभी इसको डालेंगे डायरेक्ट माइक्रोवेव ओवन के अंदर एंड इसको अराउंड 3-3.5 मिनट पका के देखते हैं। चलिए दोस्तों देख सकते हैं ये रहा अंडे का मिक्स, इसको भी अंदर रख देंगे। अंदर इसको रख दिया एंड अभी यहाँ पे ऑन कर लेंगे माइक्रोवेव एंड ओके सिलेक्ट और टाइम सेट कर लेंगे अराउंड 3.5 मिनट का टाइम सेट कर लेते हैं एंड स्टार्ट। अभी ये गर्म है, खाली हाथ से नहीं निकालूंगा, ग्लव्स का सहारा लूंगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। थोड़ा हॉट है, इस हद से नहीं पकड़ सकता, गर्म है एकदम। इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड एक काम करते हैं अभी इसको थोड़ा ब्रेड के साथ सर्व कर लेते हैं। अभी ऑमलेट को थोड़ा सा निकाल लेंगे साइड से। एकदम सही से तो नहीं निकला है। आप लोग देख सकते हैं अभी ऑमलेट में तो कोई ऑयल नहीं है एंड ये जो ग्लास वेसल है इसमें भी देख सकते हैं कोई ऑयल नहीं है। जीरो ऑयल ऑमलेट रेडी हो गया, साथ में ब्रेड एंड पीनट बटर। दोस्तों अगर आप बैचलर हैं या फिर घर पे अकेले हैं तो दिस कुड बी योर परफेक्ट इजी ब्रेकफास्ट। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको ऐसा रेसिपी भी पका के दिखा सकता था लेकिन वो मेरा मोटो नहीं था। एक बैचलर आदमी क्या कर सकता है या फिर एक आदमी जिसका परिवार वाले दूसरे कहीं पे गए हैं, वो घर पे अकेला है तो वो कितना इजीली अपना ब्रेकफास्ट बना सकता है, यही बस दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया। दोस्तों इस वीडियो में जो जो इक्विपमेंट मैं यूज़ किया, पहला चीज़ माइक्रोवेव ओवन, उसके बाद ये रहा ग्लास बोल एंड साथ ही साथ
जो ग्लव्स मैंने यूज़ किया था, ग्लव्स थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है, बाद में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये जितने सारे इक्विपमेंट्स मैं यूज़ किया उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं।